भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की 5 सीटों से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। वहीं आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी की अटकलों को आखिरकार विराम लग गया, जिसमें आजमगढ़ सीट से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ का नाम लिस्ट में सबसे दिलचस्प है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में ताल ठोकेंगे। मंगलवार को ही सरकार ने निरुआ को वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। निरुआ की चुनाव लड़ने की चर्चा उसी वक्त शुरू हो गई थी जब वो एक्टर रवि किशन के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी ऐलान के बाद आज आजमगढ़ में पार्टी संगठन ने निरुआ चुनाव लड़ने की खुशी में मिठाई खाकर एक दूसरे को बधाई दी है। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ रिक्शावाला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की साइकिल को पंचर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने आजमगढ़ सदर पार्लियामेंट से दिनेश लाल निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से 12 मई को जो मत पड़ेगा आजमगढ़ पार्लियामेंट से 3 से 4 लाख मतों से हम दिनेश लाल निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करा करके जिता करके भेजने का कार्य करेंगे। दूसरी जो अहम बात है कि साइकिल पंचर करने के लिए रिक्शा वाला दिनेश लाल निरहुआ रिक्शा वाला वो पंचर साइकिल को ही करेगा और पंचर कर करके यहाँ से भेजेंगे। और दिनेश लाल निरहुआ अपने कर्म के बल पे अपनी एक पहचान कर्म योद्धा के रूप में बनाया है, और अगर पिता की पहचान ना होती, पिता इनके पीछे अखिलेश यादव जी के न खड़े होते, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पहचान के नाते अखिलेश यादव की पहचान है दिनेश लाल निरहुआ। गरीब कोख में पैदा हुआ बेटा स्वयं अपनी पहचान बना करके सामाजिक क्षेत्र से लेकर के फिल्मी जगत तक, राजनीतिक क्षेत्र तक काम करने का अपना जो संकल्प लिया था, उस संकल्प में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आजमगढ़ सदर पार्लियामेंट से टिकट दिया। बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कैंडिडेट थे, बहुत कार्यकर्ताओं की लंबी लाइन है, लगातार पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अभी विधानसभा के चुनाव लड़े, हमारे कार्यकर्ता विधानसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा का भी चुनाव हुआ, पूर्व में आपने देखा चुनाव लड़ाया गया। इस बार पार्टी ने नया निर्णय लिया, चूँकि अखिलेश यादव बाहरी चुनाव लड़ने आए थे तो आजमगढ़ में भी हमारे माटी का लाल, यहीं बगल का बेटा, पूर्वांचल का, गाजीपुर का, जो आजमगढ़ गाजीपुर का मधुर रिश्ता है, उस धरती का लाल यहाँ चुनाव लड़ रहा है। वैसा